मैं कोई भी नए कनेक्शन बना सकता हूं और मैं कोई भी बने हुए कनेक्शन मिटा सकता हूं। एंड दिस इज साइंस, क्योंकि एक अकेले आपसे नहीं होगा, एक अकेले हमसे नहीं होगा। आप और हम मिल गए तो एक और एक 11 हो जाएगा, यानी कि हमारी पावर जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। अब मैं एक एनिमेटेड YouTube के ऊपर, ये एक मिनट की सिर्फ एक वीडियो है, मैं ये दिखाता हूँ कि हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन सेल, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो कैसे होते हैं। ये ना धागे धागे जैसे होते हैं, बहुत ही बारीक धागे धागे, और 10,000 करोड़ सेल माने गए हैं। 10,000 करोड़ सेल्स, जैसे हमारी सारी बॉडी सेल से बनती है। सेल्स का मतलब होता है जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है, तो दीवार है लेकिन किससे बनी है, ईंटों से बनी है। ऐसी हमारी बॉडी बनी है, किससे बनी है, जो सबसे छोटी यूनिट है वो है सेल्स। जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन आपस में जुड़ के कुछ सर्किट्स बनाते हैं। अब ये जो प्रोसेस सर्किट बनाने का है, इसको हम बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी वर्ड आया प्लास्टिक से। प्लास्टिक मतलब वो एक केमिकल वाला एक प्रोडक्ट है जिसको हम जैसे मर्जी मोल्ड कर सकते हैं, जैसे प्लास्टिक से हम चाहे जो मर्जी बना सकते हैं प्लास्टिक से प्रोसेस के थ्रू। तो इसी तरीके से न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब न्यूरॉन्स भी कुछ भी सर्किट्स बना सकते हैं। अब ये कैसे बनाते हैं और ये क्या प्रोसेस होता है, जस्ट एक मिनट की वीडियो में मैं आपको ये चीजें सारी समझाता हूं। इसमें अब ये दिखाया गया है कि एक ब्रेन है एनिमेशन में। पहले तो ये फेस दिखाया गया, फेस में ब्रेन दिखाया गया। अब ब्रेन के अंदर जाएंगे, तो ब्रेन के जब हम अंदर जा रहे हैं तो ये इस तरीके से अंदर जाकर सारे धागे 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 जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं हम सब लोगों के ब्रेन में। अब इसमें ये कहा गया है कि जन्म के समय जो बच्चे का जो ब्रेन होता है उसमें बहुत सारे कनेक्शंस बने बनाए आते हैं। मतलब पहले साल डेढ़ साल के अंदर, मैं अलग से एक आपको अभी इमेज दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि उसमें ना ब्रेन का हर पार्ट दूसरे पार्ट से जुड़ा हुआ है अभी। मतलब वो बहुत ज्यादा, ये उल्टा है, पहले चीजें कम होती हैं बाद में बढ़ती हैं ना। ब्रेन के एक पार्ट में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, पहले कनेक्शन ज्यादा होते हैं। फिर इसमें अभी आगे समझेंगे, न्यूरोप्लास्टिसिटी के दो कॉन्सेप्ट होते हैं, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, और दूसरा होता है यूज इट एंड और लूज इट। यानी कि अब इन कनेक्शंस को क्या किया जाता है, क्योंकि देखिए हर जगह पे, अफ्रीका में अलग कंडीशंस होंगी, एशिया में अलग कंडीशंस होंगी, इसी तरीके से बच्चे जहां 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 पैदा होंगे वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग सिचुएशंस होंगी, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के हिसाब से। तो कुदरत ने क्या किया कि हम लोगों को एक सेट ऑफ पार्सल डालकर भेज दिया पूरा का पूरा, कि ये इतने सारे सेल हैं। सपोज कि मान लो आपको चाहिए 20-25, लेकिन उन्होंने 100 बनाकर दे दिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कौन से 20-25 इसको कहां इस्तेमाल होंगे। तो जो बच्चे जिस तरह के सिचुएशन पे रहते हैं, उस तरीके की सिचुएशंस के साथ अडेप्ट करते हैं, वो वाले फायरिंग जो न्यूरॉन्स के होते हैं वो तो कनेक्शन बच जाते हैं, और जो कनेक्शन इस्तेमाल नहीं होते वो हट जाते हैं। सो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारे न्यूरल कनेक्शंस मुकाबले जो पहले बच्चे से थे वो कम हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। सो उसी को हम यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुदरत ने एक बहुत अच्छा एक सिस्टम हम लोगों के अंदर बनाया है कि बच्चा जब पैदा होता है तो पहले एक साल के बाद ही, तकरीबन कुछ 6 महीने या अभी हम फिगर देखेंगे, उस समय न्यूरॉन सेल्स एक बंडल की तरह आ जाते हैं, और फिर उन सेल्स में से हम जो जो इस्तेमाल करते हैं वो कनेक्शन बना लेते हैं, और जो जो इस्तेमाल नहीं होते वो हट जाते हैं। और इस हटने के प्रोसेस को बोलते हैं प्रूनिंग, साइनेप्टिक प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब होता है जैसे माली आता है तो वो हमारे पौधों को ऊपर से काटता है ना, उसको हम बोलते हैं प्रूनिंग। मतलब अगर मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में बात करूं तो माली को बोलूंगा कि माली ये ना सारे पौधों को प्रून कर दो आज। प्रून कर दो मतलब ऊपर के जो बेमतलब के जो पत्तियां बाहर निकली हुई हैं उनको काट दो। सो कुदरत ने हमारे अंदर एक प्रोसेस बनाया है साइनेप्टिक प्रूनिंग, मतलब एक कनेक्शन जब दूसरे कनेक्शन से मिलता है तो बीच में जो साइनेप्स होता है ये वाला, इसकी प्रूनिंग, मतलब ये वाले कनेक्शंस हटा दो, जो नहीं चाहिए वो कुदरती तौर पर हट जाते हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास 100, 200, 1000, 1500 या 10,000 या 20,000 जितने भी कनेक्शंस पड़े हैं, जितने मैं यूज करूंगा वो रह जाएंगे, जितने यूज नहीं करूंगा वो प्रून होकर खत्म हो जाएंगे। सो ये तो था कुदरती प्रोसेस जो अभी मैं वो आपको दिखा रहा हूं। अब हमारे बच्चों में क्या हुआ, स्क्रीन देने की वजह से रियल टाइम एक्सपोजर हुआ ही नहीं, एक्सपोजर हुआ नहीं तो वो कनेक्शन सारे प्रून हो गए, प्रून हो गए मतलब कनेक्शन ही नहीं बने।
अब आज तक अभी साइंस इसी चीज़ को समझने की कोशिश कर रही है कि ऑटिज्म कैसे बनता है। हालांकि न्यूरल प्रोसेसिंग है ये तो समझ आ गई, लेकिन ये सारी फिनोमिनोलॉजी है क्या, साइंस इसको अभी समझने की कोशिश कर रहा है। एक बार समझ जाएगा पूरी तरह से तो फिर शायद इसके रिजल्ट बहुत बेटर हो जाएंगे, लेकिन एक बार पहले आप इस प्रोसेस को समझिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो ये कह रहे हैं कि एट बर्थ द ह्यूमन ब्रेन इज फ्लरी ऑफ सुपरफ्लूअस कनेक्शंस विद ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द ब्रेन कनेक्टेड टू एवरी अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन। हर कनेक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि अभी तो कुदरत ने बनाकर भेज दिया। जैसे इसको हम और अच्छी तरह से समझें तो हर मूर्ति से पहले एक पत्थर होता है, उस पत्थर की मूर्ति में हम कोई भी मूर्ति बना सकते हैं, जो मर्जी मूर्ति, तो जो चाहिए वो मूर्ति बन जाएगी, बाकी हट जाएगा पत्थर। अब ईश्वर ने तो पत्थर दे दिया ना, मूर्ति तो हमने बनानी है ना, हम क्या करते हैं, जो भी मूर्ति बनानी है उसके हिसाब से उस पत्थर को ऐसे 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 करके जो भी उसकी नक्काशी या जो भी करनी है, जो नहीं चाहिए वो हट जाता है और उस पत्थर में से हम एक मूर्ति निकाल देते हैं। सिमिलरली हम अपने ब्रेन के अंदर भी, ईश्वर ने तो हमें पूरा का पूरा ऐसे दे दिया, वो कह रहा है बना लो इसको जो बनाना है, तो अब जिस चीज की स्टिमुलेशन ज्यादा दूंगा वो वाले सर्किट रहेंगे, जिसकी मैं स्टिमुलेशन नहीं दूंगा वो हटते जाएंगे, एंड आई विल बी व्हाट आई एम। तो ये इसका प्रोसेस होता है। Human brain is a flurry of superfluous connections with almost every part of the brain connected to every other part of the brain. During the first 2 years of life, the human brain undergoes the first... So, वो बता रहे हैं कि human life के first 2 years, अभी मतलब उसको first 3 years माना जा रहा है, वैसे 2 years, 3 years यही है। तो आपने देखा कि बच्चा एक family के साथ बैठा हुआ है, वो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरेक्ट कर रहे हैं मतलब इंटरेक्शन वाले सर्किट डेवलप हो रहे हैं, ठीक है ना। सो साइनेप्टिक प्रूनिंग जो मैंने आपसे बताया कि उसके बाद वो जो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे उसकी साइनेप्टिक प्रूनिंग हो जाएगी, यानी कि वो कनेक्शंस हट जाएंगे। ये दो सेल्स है, एक इधर न्यूरॉन है एक उधर न्यूरॉन है, और ये एनिमेशन के थ्रू ये दिखाया गया है कि किस तरीके से उनके बीच में मैसेज पास हो रहा है। सो साइनेप्स एलिमिनेशन दैट अकर्स इन अ डेवलपिंग ब्रेन, जो ब्रेन बन रहा होता है दैट इज शेडिंग, यानी कि निकाल रहा है अननेसेसरी कनेक्शंस, यानी कि जो नहीं चाहिए। सो यूज इट और लूज इट, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक आपने देखा होता है पार्क के अंदर एक कच्चा रास्ता बना होता है, कई बार हम एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बीच में से पार्क में से निकलते हैं तो उस पार्क में क्या बन जाता है, कच्चा रास्ता बन जाता है। सो क्योंकि हमने उसको बार बार यूज किया उस रास्ते को, तो वहां एक रास्ता ही बन गया। अब मुझे लग रहा है कि ये तो इतना सुंदर पार्क है, ये बीच में एक रास्ता बन गया, तो और मैं ये रास्ता बंद करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरे पार्क की शोभा खराब कर रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उस रास्ते को बंद करने के लिए, वो जो कच्ची कच्ची से एक पगडंडी टाइप सा बन गया था उसको खत्म करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कैसे खत्म करूं? सिंपल, कई लोग कहते हैं उसके ऊपर घास लगा दो, मैं कहता हूं घास तो अपने आप ही, उसकी तो अपनी कैपेसिटी है कि वो फैलती है, आप मत इस्तेमाल करो, धीरे धीरे वो घास अपने आप ऊपर आ जाएगी, मत इस्तेमाल करो। Use it और lose it। अगर मैं वो रास्ता इस्तेमाल करता रहूंगा तो वो पगडंडी बनी रहेगी, आप उस रास्ते पर चलना बंद कर दीजिए वो पगडंडी भर जाएगी, यानी कि बना हुआ कनेक्शन खत्म भी हो सकता है। यानी कि ये चीज मुझे एक उम्मीद देता है कि मेरे बच्चों के अंदर कुछ ऐसे कनेक्शन जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के हैं, जो कि सो कॉल्ड अगर मैं बोलूं कि गलत बन गए हैं हमारे हिसाब से, तो हम उसको हटा भी सकते हैं, बिकॉज न्यूरोप्लास्टिसिटी कहता है यूज इट और लूज इट। अगर वही वो चीज़ बार बार कर रहा है और अगर मैं वो नहीं करने दे रहा किसी भी तरीके से, उसे डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, चैनलाइज कर रहा हूँ, किसी दूसरी एक्टिविटी में एंगेज कर रहा हूँ, और उसको अगर मैं वो वाला काम नहीं करने दे रहा हूँ, तो यूज इट और लूज इट के प्रिंसिपल के ऊपर वो कनेक्शन खत्म हो जाएगा। सिंपल, use it or lose it principle, or neurons that fire together, wire together. और ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी का दूसरा प्रिंसिपल, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यानी कि अगर एक ही तरह का मैसेज मैं बार 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 करूंगा तो ये आपस में एक सर्किट बना लेगा। सो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर,
और यूज इट और लूज इट, इसका मतलब तो बहुत ही अच्छा हो गया। मैं कोई भी नए कनेक्शन बना सकता हूँ और मैं कोई भी बने हुए कनेक्शन मिटा सकता हूँ। एंड दिस इज साइंस, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। अच्छा एक बात बताइए, उस रास्ते से आपने ये तय कर दिया कि अब हम नहीं चलेंगे, आप एक दिन नहीं चले, दो दिन नहीं चले, तीन दिन नहीं चले, पांच दिन नहीं चले, हट गया वो रास्ता, हट गया, इट विल टेक टाइम। हम क्या करते हैं, आपने कहा था इसको मोबाइल मत दिखाओ, हमने नहीं दिखाया, एक हफ्ते से नहीं दिखाया, ये अभी भी नहीं मान रहा, दस दिन हो गए अभी भी नहीं मान रहा। कॉन्सेप्ट, नॉलेज इज कॉन्फिडेंस, समझ आएगी तो कॉन्फिडेंस अपने आप बना रहेगा। अच्छा एक बार बताओ, मुझे लगा कि ये पगडंडी यहां नहीं बनानी, इधर से बनानी है, साइड साइड से निकलूंगा, तो उस पगडंडी बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उस रास्ते से चलना पड़ेगा। अब मैं वहां एक दिन चला, दो दिन चला, तीन दिन चला, दस दिन चला, बन गया रास्ता, नहीं बना। सो आप जैसा कह रहे थे हम वैसा ही कर रहे थे, आप जैसा कह रहे थे हम वैसा ही कर रहे थे, लेकिन ये तो अभी भी नहीं कर रहा। अरे नए सर्किट बनने में टाइम लगेगा, पुराने सर्किट टूटने में टाइम लगेगा, टूटने में भी लगेगा, बनने में भी लगेगा। नॉलेज इज कॉन्फिडेंस, समझ लीजिए करना है, ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है, ये होगा। मैं चलता रहूंगा चलता रहूंगा चलता रहूंगा, वो कनेक्शन कभी नहीं हटेगा, मैं चलता रहूंगा चलता रहूंगा चलता रहूंगा, नया कनेक्शन बन जाएगा। अच्छा एक चीज और समझो, जब मैं इस बने हुए रास्ते के ऊपर चल रहा था ना, तो बड़ा आसान था, बड़ा फ्लुएंटली चल लेता था। अब नई वाली घास के ऊपर चलना शुरू किया, अब उस पर तिलकन है, फिसलन है, मैं बार बार फिसलता हूं, मुश्किल होती है, होगी ना। बट अगर पता है कि अगर मैं ये वाली मुश्किल आज झेल गया, तो कल को यहां पर भी एक अच्छा सा स्मूथ रास्ता बन जाएगा। सो अगर समझ होगी तो पेशेंस भी होगा, पेशेंस के साथ साथ एफर्ट भी होगा, एफर्ट भी हो गया, पेशेंस भी हो गया, समझ भी हो गई, सिद्धांत भी पूरा साइंटिफिक है, इट विल वर्क। अब मेरे किसी भी नॉर्मल टिपिकली ग्रोइंग बच्चे को एक बात पांच बार समझाने से समझ आ जाती है, अब मेरे ऑटिज्म के बच्चे को वही बात मुझे कम से कम 200 बार, 300 बार या 500 बार सिखानी पड़ती है। लेकिन सिद्धांत कहता है कि मैं 500 बार सिखाता हूं वो सीख जाता है। मुझे बच्चे को क्या करना है, सिखाना है ना। सो अगर मुझे समझ आ गई कि मुझे इस बच्चे को ये वाली चीज 500 बार करानी पड़ेगी, तो ये पक्का समझ जाएगा। तो अब मुझे बच्चे के ऊपर काम करना है कि अपने ऊपर काम करना है, मुझे अपनी कैपेसिटी को 500 बार तक बढ़ाना है, एंड इट विल वर्क। हम सब चाहते हैं ना, हम अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करते, करते हैं ना, तो ठीक है एक बार इस चीज के लिए भी एफर्ट कर लेते हैं। बच्चा हर चीज सीख रहा है, सिर्फ उसको सिखाने का एक तरीका है और उसको करने का बार बार है, 10 गुना 20 गुना 100 गुना 500 गुना ज्यादा सिखाना पड़ेगा मेरे को उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा सीख रहा है। तो मैं जानता हूं कि टाइम लगेगा, मैं अपनी एनर्जी बढ़ा लेता हूं, कर लो। हम अपने बच्चों के लिए करते नहीं है क्या, सो हम करेंगे और सिखा देंगे, एफर्ट को कई गुना ज्यादा बढ़ा देना पड़ेगा। और यही कह रहे हैं कि अगर आप और हम मिल जाएंगे ना, तो बच्चे सीख जाएंगे, क्योंकि एक अकेले आपसे नहीं होगा, एक अकेले हमसे नहीं होगा, आप और हम मिल गए तो एक और एक 11 हो जाएगा, यानी कि हमारी पावर जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएगी। सो एक बार करके देखिए सच में, तरीके से, सिस्टम से। सो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया कि हम जो चीज बार 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 करते हैं उसका सर्किट बन जाता है, तो मैं जो सर्किट बनाना चाहता हूं बना सकता हूं, लेकिन बार बार करना पड़ेगा, कई बार करना पड़ेगा, पता नहीं कितनी बार करना पड़ेगा, बट साइंस है, इट विल वर्क। और बने हुए कनेक्शंस को तोड़ना है तो उसके लिए भी मुझे टाइम लगेगा, बट कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं 10 दिन उस पर नहीं चढ़ा, 4 दिन चल पड़ा, फिर 20 दिन नहीं चढ़ा, चला उस रस्ते के ऊपर, फिर से 5 दिन चल पड़ा, कभी नहीं खत्म होगा वो वाला रास्ता। सो अगर एक बार छोड़ दिया उस पर चलना, तो छोड़ देना पड़ेगा, तभी वो रास्ता वो वाला खत्म होगा, यानी कि बना हुआ सर्किट तभी टूटेगा अगर मैं लगातार उसको यूज नहीं कर रहा हूं। तो बीच बीच में से यूज करता रहा, सब खत्म, वही स्क्रीन टाइम के ऊपर,
आपने कहा था हमने इसका टोटल टाइम बंद कर दिया है, बस इसको अब कभी कभी देते हैं। ये अब टोटल और कभी कभी मेरी समझ में आज तक नहीं आया कि ये टोटल और कभी कभी इकट्ठा कैसे हो सकता है। जब मैं कह रहा हूं कि भाई नहीं तो मतलब नहीं, वो अभी तक क्योंकि आप उस चीज की अहमियत को गंभीरता से समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए आपको लगता था कि जहां पहले 8 घंटे देखता है अभी तो सिर्फ 1 ही घंटे देखता है। जो पहले उस रास्ते के ऊपर 1000 बंदे चलते थे आज सिर्फ 100-200 ही चल रहे हैं। रास्ता तो वही रहेगा, वो नहीं खत्म होगा, ठीक है। ये तो यस या नो है, नो का मतलब फिर नो ही है, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए ये एक बना हुआ कनेक्शन है, यहां पर देखिए ये एक बना हुआ कनेक्शन है जिसको कि एक एनिमेशन के थ्रू हम ये दिखा रहे हैं कि ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है। और वो दो कनेक्शन अभी बहुत दूर दूर हैं, उनके अंदर अभी फायरिंग होनी शुरू हुई है, यानी कि अभी हमने करना शुरू किया। इसके अंदर पहले से फायरिंग हुई थी, हमने और फायरिंग करानी बंद कर दी। उसमें फायरिंग बढ़ रही है, वो नजदीक आ रहे हैं, इसमें फायरिंग नहीं हो रही है, ये फेड हो रहा है। उसमें और फायरिंग हो गई, वो और नजदीक आ गया, इसमें फायरिंग बिल्कुल खत्म हो गई। उसमें और बढ़ गया, और नजदीक, इसमें बिल्कुल हल्का सा, मतलब हमने यूज ही नहीं किया, इसकी फायरिंग खत्म होती जा रही है अपने आप में। वो जुड़ गया, ये टूट गया। सिंपल, मतलब समझने के लिए ये एक एनिमेशन के थ्रू बताया गया है कि सर्किट्स कैसे बनते हैं, कैसे टूटते हैं। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। Pruning is influenced by many environmental factors and is widely thought to represent learning. The developing brain sheds unnecessary connections and empowers the connections that aid in survival and mastery of the environment. In this way, the brain creates a specific and mature circuitry that is primed for handling the complexities of daily human life. The simpler associations formed in childhood are thought to be So, ये जब जो बच्चे नॉर्मल टिपिकली ग्रोइंग बच्चे जिन्हें हम बोलते हैं, वो भी तो सब चीज़ें पहले छोटे छोटे लेवल पर सीखते हैं और फिर उसके बाद उसको मैच्योर करते चले जाते हैं, वो भी तो टाइम लेते हैं ना, वो भी तो एक प्रोसेस है। इसी तरीके से हमें अपने इन बच्चों के ऊपर भी वही वाला प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा।